अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, कल यानी 23 मई को किला सैफुल्ला में जो पीईटी का टेस्ट हुआ था, देखते हैं कि पीईटी के टेस्ट में कौन कौन से सवाल आए थे। ये जो सवाल हमें भेजा है रफ़ीउल्लाह काकड़ भाई ने, बहुत शुक्रिया आपका। कल से हमने टेस्ट के सवालात का एक तरतीब बनाया हुआ है कि हम हर पोस्ट के जो सवालात हैं वो अलग अलग उसके लिए वीडियोस बनाएंगे। तो आप लोगों को ये तरीका किस तरह लगा, इस के हर पोस्ट का जो है वो सवालात अलग अलग हों या सारे जितने भी पोस्ट हैं उन सब के सवालात एक साथ होने चाहिए, तो इस बारे में आप लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू। पहला सवाल है एरिया ऑफ बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान का रकबा कितना है। क्वेश्चन नंबर टू है व्हेन कैद आज़म डिलीवर्ड 14 पॉइंट्स। कैद आज़म मोहम्मद अली जिना ने अपने जो 14 नुकात, जो मशहूर 14 नुकात हैं, वो कब पेश किए हैं, यानी उसका तारीख बताना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स्ड इनटू, यानी कि 1973 का जो आईन है इसको मुअत्तल किया गया, कब मुअत्तल किया। स्टेचू ऑफ लेडी मेड बाय नेचर रॉक्स स्टोन, ये कहाँ पर है, ये यानी गवादर में है। चोलिस्तान डिजर्ट कहाँ पर है, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर सिक्स बिगेस्ट साल्ट माइन इन, जेलम डिस्ट्रिक्ट। सेवन क्वेश्चन है इंस बिन मालिक ने कितनी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। 10 साल। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद साहब का नाम ख़वैलद बिन असद। कौन से गज़वे में जंग नहीं हुई, गज़वे तबूक। क्वेश्चन नंबर 10 है रजब अशरी साल में नंबर, यानी रजब का जो महीना है वो कौन से नंबर पे है, वो 7वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है खुसरो परवेज के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त कौन लेके गया था, अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो। सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलह किया किसने, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने। नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त वसूल किया कब, 7 हिजरी को। क्वेश्चन नंबर 13 नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त वसूल किया, वो है 7 हिजरी। फ़राइज़ हज, यानी इनमें से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा वो फ़र्ज़ है, वो है वकूफ़ अराफात। शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है, इसको रमी कहते हैं। ये भाई सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, हर टेस्ट में आ रहा है, हर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो मेहरबानी करके इसको ना रट्टा मार के याद करो। कोई शैतान को कंकरी मारना है वो इसको कहते हैं रमी। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक, तुम में से बेहतर वो है जो अपने देश के साथ अच्छा सलूक करे। क्वेश्चन नंबर 15 है इंग्लिश के आए थे एक्टिव और पैसिव के 6 सवाल आए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और पैसेज। करेक्ट द स्पेलिंग, पैसेज में इस तरह होता है कि एक पैराग्राफ होता है उसको पढ़ के कुछ 1-2 सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, और वहाँ से उन्हीं पैराग्राफ से देखकर ही आप लोगों ने जवाब देना होता है। करेक्ट स्पेलिंग भी है। फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मैं आपसे पूछ सकता है कि कौन, मसलन आपसे पूछे कि गो का सेकेंड फॉर्म इनमें से कौन सा है, थर्ड फॉर्म कौन सा, इस तरह के आपसे फॉर्म ऑफ वर्ब के भी सवालात आ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, प्रीपोजिशन, सिनोनियम, एंटोनियम और कन्वर्ट सेंटेंसेस ऑफ टेंस। नेक्स्ट सवालात है वो है मैथमेटिक्स के, एलसीएम ऑफ 35, 15, एलसीएम मालूम करना है, एचसीएफ मालूम करना है 11 का, 18 का और 55 का। फैक्टर के सवाल आते हैं और जीएसटी टैक्स ये कैलकुलेट कर, जीएसटी मालूम करने के भी क्वेश्चंस आए थे पीएटी के टेस्ट में। और नेक्स्ट है परसेंटेज, यानी परसेंटेज कैलकुलेट मालूम करना, ये भी आप लोगों को आना चाहिए, इससे भी सवाल आ सकते हैं। 8 मिनट में 150 बोतलें एक मशीन भरती है, 675 के लिए कितना वक्त लेगा, यानी कितना टाइम लगेगा, ये है 36 मिनट। मैथमेटिक्स के कुछ मज़ीद सवालात वो ज्योमेट्री से आए थे, नस्बत और तनासब के थे।
अंडर रूट टू क्या है? मुफरिद है, नातिक है, गैर नातिक है? तो इस भाई ने लिखा है कि ये गैर नातिक है। हॉकी गोल की लंबाई 0.3.66 मीटर। ओलंपिक टॉर्च कब मुतारिफ किया गया? फेट को नापने का आला, फेट जो चर्बी है, स्किन फोल्ड कैलिपर। समंदर की गहराई नापने का जो आला है इसको कहते हैं पेटोमीटर। गाय और भैंस में से किसके दूध में फैट ज़्यादा है? क्वेश्चन नंबर 32, आंख का आखिरी हिस्सा कौन सा है? जुबान के टेस्ट बर्ड्स, जो जुबान पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है? 120/80 mmHg। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन से हैं? लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फास्ट एनर्जी के लिए कौन सी खुराक है, यानी वो खुराक जो हमें जल्दी से एनर्जी देता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 37, फैट्स में कैलोरीज कितने होते हैं? 9 कैलोरीज होते हैं। लीव साल कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। जिस्म को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो है ब्रेन, यानी दिमाग। दिमाग का, ब्रेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है सेरिब्रम। देखना सुनना वगैरह, इसको दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? जिस्म का दर्जा बरकरार रखता है, हाइपोथैलेमस। ऑर्गेनिक एसिड सब्जी और फ्रूट में होता है। फिजिकल एजुकेशन का टीचर कैसा होना चाहिए? बच्चे की रवैया पर ज़्यादा असरअंदाज होता है स्कूल मुआशरा या ख़ानदान। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पैदा की जाती है? बैक थाई मसल। द यूज़फुल मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर गेम एंड स्पोर्ट्स, वो कौन सा अमल है जिसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ 2 दफ़ा तकसीम होता है? कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस के सवालात आए थे, लेकिन ये नहीं मैं इस भाई ने बताया कि कौन कौन से सवाल आए थे। 50.50 पर 20% टिप देता है, बताएं उसने कितना खर्चा किया? मैथमेटिक्स का सवाल। एक्स वाई बराबर है 3 के, और एक्स प्लस 2y = 10। तो एक्स की कीमत है 4। 64 / x = 16।